बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा बाई सेक्शन मेथड की एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाई सेक्शन मेथड की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इसके वर्किंग रूल को अंडरस्टैंड किया कि किस अंदाज़ में बाई सेक्शन मेथड फॉलो अप होता है, और इसके क्वेश्चन को अप्लाई करवाने के लिए हमने एप्लीकेशन को कैलकुलेटर की अंडरस्टैंडिंग में भी जजमेंट किया हुआ है। कैलकुलेटर का अंदाज़ किस लिहाज से हमने सोल्व करना है, उनकी कैलकुलेशन को किस अंदाज में परफॉर्म करवाएंगे, तो एप्लीकेशन से हम कंसर्न आज कनेक्टेड होते हैं। तो जो एप्लीकेशंस हमने कैलकुलेटर के लिहाज से अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो कैलकुलेटर को FX99 ES+ है या EX+ एग्जैक्टिव में आ जाए या इसकी असेंशियल फॉर्म आ जाए, तो वो कैलकुलेटर बेनिफिशियल है, कोई इशू नहीं है, आपकी वैल्यूज़ करेक्ट फाइंड हो जाती हैं। तो क्वेश्चन जो होगा हम आज जो कंप्लीट करेंगे वो कैलकुलेटर की सेंसेस के लिहाज से फंक्शंस को हमने ऑपरेट करवाना है। 2 फंक्शंस आप लोगों को कैलकुलेटर पे राइट करने होंगे और 2 फंक्शंस आपने कैलकुलेटर पे सेव करके उसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाएंगे। तो क्वेश्चन इसका है, आर डियर स्टूडेंट, तो फाइंड द जीरोज़। जीरोज़ मीन इसका रूट आपने फाइंड करना होता है। जीरोज़ यहाँ पर इसके रूट की वैल्यूज़ जो कि एक्सट्रीनियस नहीं होगा, एक्सट्रीनियस रूट एक्चुअली वो होता है जिसमें आप रूट को सेटिस्फाइड ना कर पाएँ, ठीक है, लेकिन हम अपना रूट फाइंड करेंगे। इट्स मीन कि वो आपके पास जितनी भी उसकी पॉसिबिलिटीज रेंजेस होती हैं, वो बाउंडेड कन्वर्जेंस होती हैं, वो जीरोज़ में एग्जिस्टेबल होंगे। तो हमने जीरोज़ फाइंड करने हैं, इट्स मीन रूट फाइंड करना होगा किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन का ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स की पार 3 है, -4x+9, ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है। इसको हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग बाई सेक्शन मेथड। ये हमारा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को फॉलो अप करेंगे। और इसकी करेक्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए? करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 3 -4x+9, ये कहता है कि ये क्वेश्चन आपने बाय सेक्शन मेथड से सोल्व करना है, और आपका जो करेक्ट आंसर है वो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन रखनी है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैलकुलेटर को 4 डेसिमल प्लेसेस पर फिक्स कर लेना है। उसके लिए आप अपने कैलकुलेटर के जो है ना, आप शिफ्ट और मोड वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर में आगे ऑप्शंस आ जाते हैं, वहाँ पर फिक्स का बटन होगा, तो आपसे फिक्स पूछेगा कितनी आपने डिमांड तक करना है। तो उसके लिए आप 4 का बटन प्रेस कर देंगे तो आपका जो कैलकुलेटर होगा वो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर क्रिएट कर देगा। एक बात तो आपने ये करनी है कि अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है, और सेकंडली आपने ये भी देख लेना कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में है या नहीं। अगर रेडियन में है तो वेल एंड गुड, अगर डिग्री में है तो आपने डिग्री से उसे रेडियन में कन्वर्ट करवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस मोड का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर पे ऑप्शन शो हो जाते हैं, तो वो आपके पास रेडियन का जो बटन होगा आपने उसका बटन प्रेस कर देना है, रेडियन का जो कमांड होती है, देन आपके पास जो कैलकुलेटर हैडर में उसका आर कैपिटल शो हो जाएगा, इट्स मीन को वो रेडियन में आ जाएगा। ये 2 बातें आपने माइंड में रखनी है, इनको अपने कैलकुलेटर पे फिट कर लेना है और अटैच कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आर डियर स्टूडेंट्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन की सेटिस्फाइड कंडीशंस होती है कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 3 -4x+9, आपने यहाँ पर ये वैल्यूज राइट कर दी, ठीक है। एक्स की पावर 3 -4x+9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने अब मूव करना होता है अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप लोगों ने टेबल ड्रॉ करना होता है एक्स और एफ ऑफ एक्स के लिहाज से। अब जो एक्स है ये आपके पास क्लोज इंटरवल होता है, ये क्लोज इंटरवल आप लोगों ने एक्चुअली खुद सेलेक्ट करना होता है कि आपका जो एक्स है ना, एक्स जो रूट होगा, एक्स एक्चुअली आपके पास रूट है, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्स किस अंदाज में लेना है कि आपने वो 2 नंबर्स लेने हैं, 2 रियल नंबर लेंगे, ऐसे 2 रियल नंबर लेंगे जो कि आपके पास फंक्शनल वैल्यू अप्लाई करने के बाद एक पॉजिटिव टर्म दे और एक नेगेटिव टर्म दे, ठीक है ना। ये आपने खुद से सोचना होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको क्लोज इंटरवल दे दिया जाता है, बट मैंने आपको जितनी भी एप्लीकेशन करवानी है इसमें आपको क्लोज इंटरवल नहीं दिया जाएगा, आपने क्लोज इंटरवल खुद से सिलेक्ट करना होता है। और ये क्लोज इंटरवल किस अंदाज में सिलेक्ट करना है कि आपने वो 2 नंबर्स आपने सिलेक्ट कर लिए जो सिलेक्ट करेंगे, देखना ये है कि उसके पे फंक्शनल वैल्यू का आंसर एक पे अगर पॉजिटिव आए एक पे नेगेटिव आए तो वो आपने 2 कंजेक्टिव नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, वो 2 कंजेक्टिव नंबर हमारे पास आ जाएंगे। मतलब एक्स की वैल्यू हमने -2 ली तो आप यहाँ पर एक्स वैल्यू -2 रखेंगे, ठीक है ना। -2 की पावर 3 -4 × -2 +9, तो आंसर आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। आप -3 यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास -6 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन वैल्यू -2 पे 9 आ रही है और -3 पे फंक्शन वैल्यू -6 आ रही है, ठीक हो गया।
तो ये आप कैलकुलेटर पे ये फंक्शन अगर सेव करना है, ये हमें सेव करना पड़ेगा क्योंकि आपको चेक करना होता है, एक तो ये फंक्शन सेव करना पड़ेगा, एक आपके पास फंक्शन बाइसेक्शन मेथड का सेव करना पड़ेगा। तो ये जब आपने फंक्शन सेव करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंक्शन जब आप सेव ये वाला करेंगे, तो उसके लिए आपको मैंने सिखाया हुआ है, अंडरस्टैंड करवाया है कि आप इसे लिखेंगे ए क्यूब माइनस 4a+9। ये किस अंदाज में होगा, मतलब आपने ए लिखने का अंदाज प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में अंडरस्टैंड किया हुआ है कि ए को किस अंदाज में लिखना है, और इसकी पावर में कोई भी नंबर हो वो पावर में किस अंदाज में लिखनी है, उसके मैंने आपको बटन जो है, बटन जितना प्रेस करने वो आपको समझाया हुआ है, अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। -4 इंटू यहाँ पर कैपिटल ए शो करवाना है, +9। जब ये फंक्शन ऐसे राइट कर दिया जाएगा, फिर आप अगर कैल्क का बटन दबाएंगे, CALC वाला कैल्क का बटन जब प्रेस किया, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप वहां पर व्हाट इज ए की जगह -2 ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, यानी कि -2 प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। आप अगेन कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो आप वहां पर -3 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपको आंसर -6 आंसर आ जाएगा। ये बहुत शॉर्टली और कह लें कि जल्दी आंसर क्रिएट करने वाला प्रोसीजर होगा, आप जल्दी इससे अपने क्लोज इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक हो गया, ऐसे आप ना कोई भी नंबर्स आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं, जहां पर दो अट्रैक्टिव नंबर्स आ जाएं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए, तो कंजेक्टिव हो, यानी कि -2 -3 ये दोनों कंजेक्टिव नंबर्स हैं, तो उन पे फंक्शन वैल्यू एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये एक क्लोज इंटरवल बन जाएगा। असल में इसकी बात क्या होती है, क्लोज इंटरवल आपने क्यों पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करवाने हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि दो फंक्शन वैल्यू का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो <0 आना चाहिए। तो देखें f(-3), अगर आप एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं तो f(-2) का आंसर क्या आ रहा है, -+9। तो देखें f(-3) का आंसर +9, और अगर आप एक्स की जगह -3 रखते हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -6। तो यहाँ पे -6 पुट किया, -6 को मल्टीप्लाई 9 से किया तो ये आ गया -18, सॉरी -56, 54 आ जाएगा, यानी कि इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो -54 इज लेस देन 0, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास <0 आ गया। इट्स मीन कि जो आपका एक्स रूट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, -3 और 2 के बिटवीन, ये हमारा क्लोज इंटरवल आ गया। ये आपने क्लोज इंटरवल खुद से क्रिएट करना होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप रूट को किस अंदाज में सिलेक्ट करते हैं, -3, -2, इसमें लोअर बाउंड क्या है, ए की वैल्यू -3 है और अपर बाउंड इसमें क्या है, बी की वैल्यू -2। ठीक हो गया, और एक्स इसमें क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज नोन एज रूट। नेक्स्ट हमने टेबल क्रिएट करना होता है, और ये टेबल आप लोगों ने जिस अंदाज में बनाना है इसका क्राइटेरिया देख लीजिएगा ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये टेबल ड्रॉ की है, ये आपने जो टेबल ड्रॉ करने हैं ये टोटल 6 टेबल्स की, यानी कॉलम वाइज आपने वैल्यूज राइट करनी होती हैं। ये मतलब फर्स्ट को जो कॉलम है इसमें ए टर्म लिखेंगे लोअर बाउंड, और जो सेकंड कॉलम आपने क्रिएट करना है वो होगा अपर बाउंड, फिर उसके बाद जो थर्ड कॉलम होगा वो ए की फंक्शनल वैल्यू होगी, और जो फोर्थ कॉलम होगा वो बी की फंक्शनल वैल्यू होगी, उसके बाद जो सी है ये आपका बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला है। अब जो सी है कैसे फाइंड करना है, बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है a+b/2, तो वो क्या होगा, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी सी के लिए भी आपने एक फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेटर पर राइट कर देनी है। उसके लिए भी आपको प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है कि कैलकुलेटर पे आपने फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करना है, और न्यूमरेटर में आप a+b की वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है, अल्फा और वो बटन जो नेगेटिव ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग है, तो वहां से a+b आप राइट कर सकते हो, और डिवाइड बाय 2 जो होगा आपने कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे वो पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप ए की वैल्यू ये राइट कर देते हैं, आपसे पूछेगा बी की वैल्यू पुट करें व्हाट इज बी, तो आप -2 पुट कर देंगे, तो वहां से आपको सी क्या ये आंसर क्रिएट हो जाता है, यानी ये सी का कॉलम हो गया। और जब आप FOC फाइंड करना होगा तो सी का फंक्शन वैल्यू ये वाला कॉलम हो जाएगा, टोटल ये 6 कॉलम्स ड्रॉ हो जाएंगे। अब ये जो मैं इस तरह के आंसर क्रिएट करता जा रहा हूँ, यानी कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये हमारे पास फोर्थ रो है, ये हमारे पास फिफ्थ रो है, एंड सो ऑन, ये आप ना फर्स्ट 4 आइटरेशन को अंडरस्टैंड कंप्लीटली कर लें, फिर मैं सो ऑन कर दूंगा, फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक सीक्वेंसली आपको मूवेबल हो जाएंगे कि ये किस अंदाज में वैल्यूज बनती जा रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट 4-5 आइटरेशन परफॉर्म करवा के बता दूंगा, फिर आप बाकी आइटरेशन खुद ही परफॉर्म कर सकोगे, ठीक हो गया। तो इसमें फर्स्ट आइटरेशन पे बहुत ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट ने अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो मैं बहुत डीपली आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये किस अंदाज में आइटरेशंस ये बनती हैं, मतलब ये कंप्लीट जो फर्स्ट रो है ना, ये वाली, ये कंप्लीट फर्स्ट रो, दिस इज नोन एज फर्स्ट आइटरेशन नंबर 1, ठीक हो गया। ये जो आपके पास सेकंड रो दिखाई दे रही है ना, ये आपके पास है
सेकेंड आइट्रेशन, ठीक होगी बात। ये हमारे पास है, इसी तरीके से जो थर्ड रो दिखाई दे रही है ये थर्ड आइट्रेशन, ये फोर्थ आइट्रेशन एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब हम फोर या फाइव आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि ये आइट्रेशन एक्चुअली बनती किस अंदाज में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब ये टेबल ड्रॉ किया ना, यानी कि ये सिक्स कॉलम आप लोगों ने बना लिए, तो फर्स्ट रो जो होगी आपके पास जो क्लोज इंटरवल है ना, आप उसकी तरफ आए। क्लोज इंटरवल आपके पास क्या है, -3, -2, जो कि बाउंडेड इंटरवल है। लोअर बाउंड इसमें क्या है, -3, अपर बाउंड इसमें क्या है, -2, ठीक है। ए की वैल्यू इसमें क्या है, -3, एंड बी की वैल्यू क्या है इसमें, -2। ये आप देखिएगा, जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसमें ए की वैल्यू -3 राइट कर दी और बी की वैल्यू -2 राइट कर दी। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए पे फंक्शनल वैल्यू, यानी कि आपके पास कैलकुलेटर पे ये वाला फंक्शन राइट किया होगा एफ ऑफ एक्स वाला, जो आपने राइट किया था a³ - 4a + 9। फिर आपने कैल्क का बटन प्रेस करना होता है जिसमें सॉल्व कोई भी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। जब आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे देन आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, जब आप व्हाट इज ए करेंगे तो आपने वहां पर ए की वैल्यू -3 रख देनी है, ये वाली। तो जब आप वो -3 की वैल्यू रखेंगे उसके बाद आंसर का बटन प्रेस कर देंगे, बल्कि आंसर नहीं इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, तो जब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे आपका वो आंसर आ जाएगा -6, ये वाला, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने अगेन कैल्क का बटन प्रेस करना है, तो आपने वहां पर वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ए, तो आपने वहां पर ए की वैल्यू ये राइट कर देनी है, ठीक है। वो जो कैपिटल ए कैलकुलेटर पर लिखा होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, इस बी की बात नहीं कर रहा। तो आपसे वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, आपने वहां पर ये वैल्यू ए की राइट कर देनी है -2, तो आपका आंसर आ जाएगा एफ ओ बी का 9, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपने सी फाइंड करना है, इसके लिए आपने एक फंक्शन बाइसेशन मेथड का राइट किया हुआ है, यानी a+b/2, आपने उस फंक्शन पे चले जाना है। उसके लिए आप रीप्ले का बटन प्रेस करोगे। रिप्ले का ये मतलब था कि आपने दो फंक्शन राइट किए हुए, आप अपवर्ड बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो फंक्शन आ जाएगा, आप उसका डाउनवर्ड बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो बाइसेशन मेथड का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक हो गया। ये रिप्ले का ये रोल होगा। तो आपने रिप्ले के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को ऑपरेट करवाते जाना है। अब आपने क्या किया, जब आप बाइसेशन मेथड के फॉर्मूले में आ जाएंगे रिप्ले वाले बटन से, तो वहां से आपके पास दो टर्म्स हैं a+b/2, आपने कैल्क का बटन प्रेस करना है, ठीक है। जब आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ए की वैल्यू -3 पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, आप उसके बाद कहेगा कि व्हाट इज बी, तो आपने बी की वैल्यू -2 पुट कर देनी है, फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना है, आपके पास आंसर सी का आ जाएगा -2.5000, ठीक है ना। यानी पॉइंट के बाद देखेंगे ये फोर डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर क्रिएट करके दे रहा है। उसके बाद आपने ये सी का ये जो फंक्शन वैल्यू है ये फाइंड करना है, इसके लिए आप रिप्ले का अपवर्ड बटन प्रेस करेंगे तो आपका गिवन फंक्शन ये वाला आ जाएगा जो आपने लिखा था a³ - 4a+9। तो आपसे वो पूछेगा व्हाट इज ए, जब आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो आप ए की वैल्यू ये राइट कर देंगे -2.5000, तो आपका वो आंसर इक्वल प्रेस करने के बाद ये आ जाएगा 3.3750, समझ की बात। तो इस अंदाज से ये आपका फुलफिल हो जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन इस तरह परफॉर्म हो जाएगी। फिर जब आपने न्यू आइट्रेशन में मूव करना है फॉर फर्दर मोर आइट्रेशन, जब आप सेकंड आइट्रेशन में मूव करेंगे तो आपने ये देखना है कि अगर आपके पास एफ ओ सी यानी ये जो आंसर आया है ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आपने इसका प्रोडक्ट किससे लेना है, नेगेटिव फंक्शन वैल्यू के साथ। यानी एफ ऑफ सी का मल्टीपल आप लेंगे एफ ऑफ ए के साथ -6 के साथ, तो ये आपके पास क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास ये प्रॉपर्टी रूट देखना है कि रूट किन के बिटवीन है, रूट आपका बिटवीन किसके है, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ सी के बिटवीन। यानी कि एफ ऑफ ए को आप मल्टीप्लाई एफ ऑफ सी से करें तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आंसर क्रिएट करेगा, मतलब लेस देन 0 होगा। तो इट्स मीन आपका रूट किसके बिटवीन होगा, ए और सी के बिटवीन। तो यहां पर आपका जो रिप्लेस होगा यानी कि ए और सी के बिटवीन रूट होगा, तो आपका अदर देन पॉइंट कौन सा स्किप है, बी। तो बी जो होगा रिप्लेस हो जाएगा सी के साथ, यानी जो न्यू आइटरेशन में बी की वैल्यू आएगी ये जो -2 की वैल्यू है इसके नीचे बी रिप्लेस हो जाएगा सी के साथ। यानी कि न्यू आइटरेशन में बी की वैल्यू वो आएगी जो सी के साथ रिप्लेस होके आएगी, ठीक है ना। देखें सी की जो वैल्यू है न्यू आइटरेशन में ये हमने बी की जगह रिप्लेस कर दी, तो जब बी रिप्लेस होगा तो इसका मतलब है जो फंक्शन वैल्यू बी होगा वो भी एफ ऑफ सी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अगर बी को सी से रिप्लेस किया है तो
एफ ओ बी भी एफ ओ सी से रिप्लेस होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, तो देख लीजिएगा न्यू आइटरेशन के अंदर ये 9 के नीचे 3.3750 ये एक्चुअली सी की एफ ओ सी की वैल्यू है ये वाली, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये हमने बी को रिप्लेस करके बी को सी से रिप्लेस कर लिया ये टर्म आ गई, और एफ ओ बी को एफ ओ सी से रिप्लेस कर दिया ये टर्म आ गई, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। उसके बाद जो अदर देन है वो एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी कि ए एज इट इज़ आ जाएगा न्यू आइटरेशन में, ये न्यू आइटरेशन में एफ ओफ ए ये भी एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद हमारे पास ये जो न्यू अपना बनाना है सी जो बनाना है वो आपके पास इन दोनों को ऐड करके आएगा, ठीक है ना, न्यू आइटरेशन में। यानी कि आपका जो फॉर्मूला था बाइसेक्शन मेथड का ए प्लस बी बाई टू, उसमें आपने कैल्क का बटन फिर प्रेस करना है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप माइनस थ्री पुट करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, फिर आपने पुट करना है बी की वैल्यू, ठीक है, आपसे पूछेगा बी की वैल्यू व्हाट इज बी, तो आपने बी की वैल्यू ये राइट कर देनी माइनस 2.5000, तो आपका वो आंसर सी में ये आ जाएगा माइनस 2.7500। तो जब आप ये फाइंड कर लेंगे फिर आपने फंक्शन वैल्यू में चले जाना है, तो फंक्शन वैल्यू ये बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो ये वाला फंक्शन होगा ना आपने ये वाला फंक्शन रिप्ले वाले में मूव कर जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो फंक्शन होगा तो आपने वहाँ पर ए की वैल्यू ये राइट कर देनी है माइनस 2.7500, तो वो आप प्रेस करोगे तो आपका फंक्शन वैल्यू यानी कि व्हाट इज़ ए की वजह से ये वाला आंसर ये बना देगा, ठीक हो गया। तो ये कैलकुलेटर से आप डिमांड करेंगे तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब ये देखिएगा एफ ऑफ सी आपका लेस देन जीरो आ रहा है, इट्स मीन ये आपका नेगेटिव जो नंबर है ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होना चाहिए, पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू, ये एफ ऑफ बी ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू है, और ये हमारे पास एफ ऑफ सी हमारे पास नेगेटिव फंक्शन वैल्यू है। आप एफ ऑफ बी को एफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन जीरो आएगा, इसका मतलब है रूट हमारा बी और सी के बिटवीन पड़ा होगा, तो इसका मतलब है अब हमें ए को सी के साथ रिप्लेस करना होगा। तो ये देखें ये जो ए की वैल्यू है ये आपके पास सी से रिप्लेस हो रही है, देखें ये जो सी की वैल्यू है थर्ड आइटरेशन में, ये हमने जो सेकंड आइटरेशन में वैल्यू फाइंड की हुई है ये आपके पास थर्ड आइटरेशन में ए की जगह आ रही है, इसका मतलब है ए को सी से रिप्लेस किया है, ये देखें माइनस 2.7500 और ये सी में भी यही वैल्यू है, तो ए को सी से रिप्लेस कर दिया, और जो एफ ऑफ ए है उसको भी आपने एफ ऑफ सी से रिप्लेस कर दिया फंक्शन वैल्यू के लिहाज से, ये देखें माइनस 0.7969 ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ सी में पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद ए और एफ ऑफ ए आपने बना लिया, तो न्यू आइटरेशन के यानी थर्ड आइटरेशन में जो एफ बी है वो एज इट इज़ आएगा, एफ ओ बी वो भी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना टर्म बन गई। उसके बाद जब हमने सी फाइंड करना है तो आपने अगेन अपना बाइसेक्शन मेथड के फॉर्मूला कैलकुलेटर पर राइट किया हुआ है, आपने वो रिप्ले वाले बटन में मूव करके वहाँ से आप ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, यानी ए आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप राइट करेंगे माइनस 2.7500, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करके फिर पूछेगा व्हाट इज बी, आपने ये बड़ा बटन ये वैल्यू राइट कर दी माइनस 2.5000, तो फिर आप इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 2.6250, ठीक हो गया। और फिर आप जब सी का फंक्शन वैल्यू फाइंड करना होगा तो आप रिप्ले वाला बटन प्रेस करके जो गिवन फंक्शन है ये वाला आप उसमें मूव कर जाएंगे, आप वहाँ पर कैल्क का बटन फिर प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू जनरेट कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1.4121, ठीक है ना। तो इसी तरीके से न्यू आइटरेशन ये फोर्थ आइटरेशन में तो आने के लिए आपके पास जो थर्ड आइटरेशन का आंसर एफ ऑफ सी में ग्रेटर देन जीरो है ये वाला, तो ये आपके पास फंक्शन वैल्यू ए के साथ एफ ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई होती है जिसकी वजह से लेस देन जीरो आएगा। एफ ऑफ ए को एफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई किया थर्ड आइटरेशन में तो ये लेस देन जीरो आता है, इसका मतलब रूट हमारा ए और सी के बिटवीन पड़ा हुआ है, तो इसमें बी स्किप है, तो इसका मतलब है बी को फिर सी से रिप्लेस करना होगा। ये देखें फोर्थ आइटरेशन में ये जो बी है ये आपके पास सी की वैल्यू आ रही है, ये देखें ये जो सी की वैल्यू माइनस 2.6250 है ये हमारे पास बी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना, माइनस 2.6250 ये बी को सी से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब है एफ ऑफ बी को हम एफ ऑफ सी से रिप्लेस कर देंगे 1.4121, ये देखें एफ ऑफ सी में भी वो वैल्यू है, तो ये हमारे पास न्यू आइटरेशन में बी सी में रिप्लेस हो गया और एफ ओ बी एफ ऑफ सी के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी टर्म जो ए है वो एज इट इज़ आ गई, यानी थर्ड आइटरेशन की वैल्यू वही फोर्थ में आ जाएगी, और एफ ओफ ए की जो थर्ड आइटरेशन में वैल्यू है वही आपके पास फोर्थ आइटरेशन में आ जाएगी। फिर जब आप सी फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करवाना होता है,
इसके लिए आपने क्या करना है कि अपना बाइसेक्शन मेथड में चले जाना है, वहां से आप ए की कमांड के लिए कैल का बटन प्रेस करते हैं, ए आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप -2.7500 पुट कर देंगे, फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, आप पुट कर देंगे -2.6250, आप फिर इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो आपके पास वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सी का -2.6875। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आप सी पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपने फिर अपने रिप्ले वाले बटन में चले जाना है, रिप्ले वाले बटन के लिए आपका ये फंक्शन होगा aq -4a+9, तो फिर उस लिहाज से जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे -2.6875, तो आपके पास फंक्शन वैल्यू का आंसर 0.3391 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने अपनी कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म करते रहना है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते रहना है, मतलब ये हमारे पास इस तरह फिफ्थ, ये हमारे पास फर्स्ट हाइड्रेशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाइड्रेशन है, सेवन्थ हाइड्रेशन है, एट्थ हाइड्रेशन है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारे पास 14th आइटरेशन के लिहाज से मूवमेंट हो रही है। अच्छा, ये 14th आइटरेशन पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये हम थोड़ी सी इसकी आइडियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जब हम इस तरह इसकी जो है ना एक आइटरेशन परफॉर्म करवा देंगे, यानी ये C13 है, ये हमारे पास C14 है, मतलब ये हमारे पास 13th आइटरेशन है, ये हमारे पास 14th आइटरेशन है, तो 13th आइटरेशन के अंदर ये हमारे पास जो सी की वैल्यू है, ये हमारे पास जो इसके आंसर आ रहे हैं फंक्शन वैल्यू के लिहाज से, उसको आप देख लीजिएगा, जो हमारे पास इसका फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ सी है ना, वो हमारे पास देखें रेपिटेशन कर रहा है, तो एफ ऑफ सी का जो आंसर आ रहा है -0.0013 आ रहा है, तो 13th आइटरेशन और 14th आइटरेशन दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो रेपिटेशन में आ गया है, रिपीटेड केस आ गया है, तो जो सी हमारा रूट है वो हमारा फाइनली ये बन जाएगा -2.7106। ये हमारा इन दी एंड जो लास्ट 14th आइटरेशन में रिमेनिंग रहेगा वो एक्चुअली हमारा रूट होता है। ये हमें किस अंदाज से पता चलेगा, अगर रिपीटेड केस आ जाता है फंक्शन वैल्यू तब उसकी क्लियरेंस हो जाती है, या फिर 0.4 आ जाए, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस 0 हो जाए, तब भी ये हमारे पास इसी अंदाज में इसका रूट बन जाएगा, यानी इसका फाइनली आंसर क्या बन गया, -2.7066। वो जो मैंने आपको कैलकुलेशंस अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसका वर्किंग प्रोसेस समझाया था, वो वर्किंग प्रोसेस एक्चुअली ये इस अंदाज में था कि आपके पास फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ सी अगर रिपीटेड हो जाती है, यानी जैसे इस केस में है कि हमारे पास ये रिपीट हो रही है वैल्यू, तो वो हमारा इन दी एंड हमारा टर्मिनेट प्रोसेस हो जाता है, हम अपने इस क्राइटेरिया को बाइसेक्शन मेथड को स्टॉप कर देंगे, तो जो फाइनली हमारे पास सी की वैल्यू बन जाती है वो ये रिक्वायर्ड हो जाएगी। ठीक है, फाइनली आपने इसके रिजल्ट को लिखना होता है कि हमने क्या फाइंड किया है, हेंस रिक्वायर्ड रूट यानी C14 इज इक्वल है -2.7066, ये हमारे पास इसका रूट बन गया है, और ये हमारे पास कितनी आइटरेशन परफॉर्म करने के बाद आया है, 14th आइटरेशन परफॉर्म की है, तो जिसकी वजह से हमें कोई रिक्वायर्ड रूट इसका फाइंड हुआ है बाय द हेल्प ऑफ बाइसेशन मेथड इन द सेंस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं डियर स्टूडेंट, सेम इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, और इस क्वेश्चन इस एप्लीकेशन में हम ना वो tetra 04 वाली कंडीशन बनाएंगे कि जिसमें हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस में 4 जीरोस शो होंगे और हम अपने प्रोसेस को टर्मिनेट करवा देंगे। तो क्वेश्चन की तरह चलते हैं डियर स्टूडेंट, फाइंड द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x - e की पावर x है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सॉल्यूशन तो चलते हैं स्टूडेंट, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x - e की पावर x, हमने ये राइट कर दिया और इक्वल है 0 के। बाय ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है कि इसमें हमने क्लोज इंटरवल पे ड्रॉ करना होता है, वो टू नंबर्स आपने कंजेक्टिव लेने हैं, अब 0 और 1 दो ऐसे कंजेक्टिव नंबर हैं, अगर आप इसको फंक्शन वैल्यू यहाँ पर रख के देखें, अगर आप एक्स की जगह 0 रखते हैं तो आपके पास फंक्शन वैल्यू -1 क्रिएट करती है, अगर आप एक्स की जगह 1 रखते हैं तो आपके पास फंक्शन वैल्यू 0.2817 इसका आंसर क्रिएट कर देता है। इसका मतलब है ये दो ऐसे फंक्शन वैल्यू के आंसर क्रिएट हो गए हैं जो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो वो आपके पास लेस देन 0 होगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास -1 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 0.2817 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0 होगा, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू हमारा किसमें होगा, 0 और 1 के बिटवीन होगा, यानी हमारा जो रूट है एक्स रूट होता है वो हमारा 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा, यानी हमारा जो आंसर होगा इन दोनों के बिटवीन कहीं ना कहीं पड़ा होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं, फंक्शन वैल्यू का मैंने आपको रोल बता दिया है कि आपने कैलकुलेटर में
एक ये वाला फंक्शन सेव कर लेना है, और एक आपने जो मेथड है आपका बाइसेक्शन मेथड, ये वाला फंक्शन इसका सेव कर लेना है। इसके लिए आप कैलकुलेटर पे राइट करेंगे 3a माइनस, ये एक्सपेंशन e है, ये आप भी कैलकुलेटर पे राइट कर सकते हो। तो इसकी पावर में जब राइट करना है, वो भी आपको मैंने आइडिया क्लियर करवाया हुआ है, और पावर में आप लिखेंगे कैपिटल ए, वो अल्फा के लिहाज से आपने प्रेस करना होता है, वो आप कैपिटल ए जनरेट कर देंगे। फिर आपने जब भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, आप कैल का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप वहां पर वो वैल्यू राइट कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपको वैल्यू की डिमांड की जाएगी, ठीक है ना। तो टेबल की तरफ चलते हैं आर डी स्टूडेंट। बाकी जो बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला है, सेकंड जो पुट करते होते हैं, वो भी आपको आइडिया है, ए प्लस बी बाय टू राइट करने के लिए, तो वो भी अल्फा के अकॉर्डिंग हम राइट कर लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये आपने टेबल जो ड्रॉ करना है, इसमें ज़रा देखिएगा, जो एक टेबल आपने ड्रॉ करना है, यानी कि 6 कॉलम आप लोगों ने ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। ये आपने मेजरमेंट्स के लिहाज से बिल्कुल क्लियरेंस करना है, इसमें स्केल का इस्तेमाल आप लोगों ने किया करना है, और हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ रखनी है, ज़्यादा तेज़ी से ये काम नहीं करना ये न्यूमेरिकल का, क्योंकि ये जितना आप माइंड शार्प रखें अपनी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल एहतियात से आप मूव करवा सकोगे। अदरवाइज़ ये जो कैलकुलेशंस होती हैं आइटरेशन परफॉर्म करवाते हुए, आप लोग बहुत सी कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हो। इसलिए कोशिश करना है कि आप सभी स्टूडेंट अपनी कैलकुलेशंस को बिल्कुल एहतियात और माइंड फ्रेश होते हुए अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आइटरेशन को परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उन्हीं अंदाज पर आपने वर्क करना है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनी एप्लीकेशन को डील किया, इसमें भी हमने आइटरेशन परफॉर्म करवानी है। इसकी जस्ट मैं 3 आइटरेशन परफॉर्म करवाऊंगा, और उसके बाद मैं सो ऑन करके इन दी एंड मूव करवा दूंगा कि आपने जब वो टर्मिनेट तक पहुंचना है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो टर्मिनेशन प्रोसेस की मैं आपको कंडीशन समझा दूंगा, प्लस इसकी 3 या 4 आइटरेशन कम से कम आपको समझा के लीडिंग करवा दूंगा, ताकि आपको इसका बिहेवियर समझ में आ जाए कि ये हमारे पास जो टेबल है ये किस अंदाज में बनता है, ये किस अंदाज में इसकी वैल्यू जनरेट करता जाता है, और ये कॉलम किस लिहाज से बनता जाता है, ठीक है, और ये कब हम रोकेंगे, इसको स्टॉप कब करेंगे, ये सारी बातें इसमें आपको क्लियरेंस फिर अगेन हो जाएगी प्रीवियस क्वेश्चन के लिहाज से। तो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल देख लीजिएगा, ये क्लोज इंटरवल किस लिहाज था, लोअर बाउंड है 0, अपर बाउंड इसमें है 1। तो ये देखिए मैंने राइट किया हुआ है कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। जब आप ए पे फंक्शन वैल्यू लगाएंगे, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, तो वहां पर आप, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन का फंक्शन है 3a माइनस e की पावर a, आपने कैल का बटन प्रेस करना है, तो आपसे पूछा व्हाट इज ए, तो आप व्हाट इज ए ये राइट करेंगे 0, तो आपके पास एफ ऑफ ए का आंसर -1 आ जाएगा। फिर आपने कैल का बटन प्रेस करना है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो वह आपके पास बी की वैल्यू, ये आपने यानी कि वहां पर ए वैल्यू होगी, आपने 1 राइट कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.2817। तो उसके बाद जब आप सी फाइंड करना होगा, इसके लिए आप रिप्ले का बटन प्रेस करेंगे, जिसमें आपका बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होगा, बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला ए प्लस बी बाई टू, उसमें आपने कैल का बटन प्रेस करना है, तो ए पूछेगा व्हाट इज ए, ए की वैल्यू आपने 0 पुट कर देनी है, और इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, आप 1 पुट कर देंगे, तो आपका वो उन दोनों का आंसर आ जाएगा, यानी कि सी इक्वल हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। और कैलकुलेटर आपने फिक्स किया हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से, जिस वजह से आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाएंगे। तो एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए जो आपका गिवन फंक्शन है, आपने उसमें मूव कर जाना है, वो आपका गिवन फंक्शन जो है वो यानी कि 3x माइनस e की पावर x वाला, उसको आपने कैलकुलेटर में सेव किया हुआ है 3a माइनस e की पावर a, आपने कैल का बटन प्रेस करना है, आप सी की वैल्यू ये राइट करेंगे 0.5, तो आपका फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ सी के लिहाज से -0.1487 ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो न्यू आइट्रेशन यानी सेकंड आइट्रेशन में जाने के लिए आपने एफ ऑफ सी के लिए कंडीशन देखनी होती है। यहाँ पर 2 केसेस अराइजेज होते हैं, यहाँ पर ये केस अराइज हो रहा है कि अगर एफ ऑफ सी लेस देन 0 है, मतलब ये लेस देन 0 है, तो ये फिर आपके पास इसका जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू से बनेगा, यानी एफ ऑफ सी की वैल्यू ये नेगेटिव है, तो इसको आप एफ ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो ओनली ऑन, ठीक है, 0.2817 के साथ, क्योंकि आप एफ ओ बी को अगर एफ ओ सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रूट बी और सी के बिटवीन पड़ा होगा, इसमें ए स्किप है, तो जो ए स्किप होगा आपने ए को फिर सी के साथ रिप्लेस कर देना है। देखिए न्यू आइटरेशन में ए की वैल्यू जो है वो सी में रिप्लेस हो रही है, यानी ए की जगह सी की वैल्यू आ रही है, ए की जगह आपने 0.5 ये देखिए राइट कर दिया, यानी कि ये फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू सेकेंड आइटरेशन में ए की जगह आ गई। उसके बाद ये जो एफ ऑफ ए की वैल्यू सेकेंड आइटरेशन में राइट की हुई है, फर्स्ट आइटरेशन में
वो आपके पास ये राइट की हुई वैल्यू जो एफ ऑफ सी की है वो एफ ऑफ ए की जगह रिप्लेस हो गई, ठीक हो गया। यानी कि ए की जगह सी की वैल्यू आ गई और एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये ऑब्जर्वेशन आपने माइंड में रखनी है। तो सेकंड एडिशन क्लास ये बनाया, तो जो आपने रिप्लेसमेंट कर दी अदर देन जो रिमेनिंग रह जाएगा वो एज इट इज, यानी बी की वैल्यू एज इट इज, एफ ऑफ बी की वैल्यू एज इट इज, ये हमारे पास फर्स्ट फोर वैल्यूज यहाँ पर राइट हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि सेकंड रो में ये फोर वैल्यूज राइट हो गई। उसके बाद आपने जब सी फाइंड करना है, इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे वो जो बाइसेक्शन का फॉर्मूला राइट किया हुआ है उसके लिए आपने वो ए प्लस बी बाई टू में चले जाना है और कैल का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज ए, आप 0.5 राइट कर दीजिएगा। उसके बाद आपने फिर इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद कैल का बटन में जाना है, तो वो पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना, 1। तो फिर आपके पास इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद आंसर आ जाएगा सी का 0.75। फिर उसके बाद आपने फंक्शन वैल्यू इसके लिए फाइंड करनी है 0.75 के लिए। इसके लिए क्या करेंगे कि आपने रिप्ले के बटन में चले जाना है, रिप्ले के बटन के अकॉर्डिंग वो जो आपने गिवन फंक्शन का लिखा हुआ है जो कैलकुलेटर में सेव किया हुआ है फंक्शन, यानी 3a-e की पावर a, तो उस फंक्शन को आपने कैल का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है 0.75, तो आपका आंसर आ जाएगा फंक्शन वैल्यू एफ ओ सी के लिहाज से 0.1330। अब ये वैल्यू आपके पास एफ ओ सी ग्रेटर देन 0 है, इसका प्रोडक्ट आप किससे ले सकते हो, एफ ओ ए के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन वैल्यू है, ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू है। जब आप एफ ओ ए को एफ ओ सी से मल्टीप्लाई करोगे एफ ऑफ ए को एफ ऑफ सी के साथ, तो ये लेस देन 0 होगा, इसका मतलब है रूट ए और सी के बिटवीन होगा, बी स्किप है तो बी रिप्लेस हो जाएगा सी में, ठीक है। तो बी की जगह आपके पास सी की वैल्यू आ गई, देखें 0.75 ये बी की वैल्यू की जगह आ गई, और एफ ओ बी की जगह आपके पास एफ ओ सी की वैल्यू आ गई न्यू आइटरेशन में, यानी 0.1330, ये देखिएगा यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है ना। तो अदर देन जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, तो 0.5 ये भी एज इट इज, एफ ओ ए की जो वैल्यू वो भी एज इट इज, ये हमारे पास यहाँ तक थर्ड रो में फर्स्ट फोर वैल्यूज राइट हो गई। उसके बाद आपने सी फाइंड करना है, बाइसेक्शन मेथड में मूव करवाएंगे, वहां पर आप बाइसेक्शन मेथड के फॉर्मूले को ए की जगह ये व्हाट इज ए राइट करना है 0.5, और व्हाट इज बी की जगह आप राइट करेंगे 0.75, तो आपका आंसर सी में आ जाएगा 0.6250। जब आप रिप्ले के बटन में मूव कर जाएंगे तो आपने वहां पर फंक्शन वैल्यू जो लिखी हुई है 3a-e की पावर a, तो वहां पर आपने सी की वैल्यू ये राइट कर देनी है, यानी कि 0.6250, तो आपका वहां पर फंक्शन वैल्यू एफ ओ सी क्लास 0.0068 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करते रहना है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपके पास एफ ओ सी में रेपिटेशन ना आ जाए या फिर 0.0804 ना आ जाए, तब तक ये आपने कंटिन्यू प्रोसेस करते रहना है। तो ये हमने इस तरह इसकी आइट्रेशन जो है परफॉर्म करते जा रहे हैं, कि हम जब आइट्रेशन परफॉर्म करते जाएंगे तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है 13th आइट्रेशन पे जाके स्टॉप हो रहा है। ये 13 आइट्रेशन पे परफॉर्म करते हुए क्यों स्टॉप हो रहा है, ये हम इसकी लॉजिक दे लेते हैं, कि ये हमारे पास जो 13th आइट्रेशन है इसमें 0-0.0001 आ रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद 000 आ रहे हैं, साथ में 1 क्रिएट हो रहा है, टेट्रा 04 नहीं आ रहा 13th आइट्रेशन में। इसका मतलब हमें 14th आइट्रेशन में जाना पड़ेगा, तो 14th आइट्रेशन में जब हम मूव करेंगे, 14 आइट्रेशन में सॉरी 13 आइट्रेशन ये वाली है, सॉरी ये हमारे पास 12 आइट्रेशन है, ये हमारे पास 13th आइट्रेशन है, 12 आइट्रेशन में हमारे पास है -0.0001, लेकिन 14th आइट्रेशन में हमारे पास ये 30 की बजाय ये हमारे पास ये 40s में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी जो है ना डेसिमल फ्रैक्शन की जो पॉसिबिलिटीज थी कि अगर पॉइंट के पास 4 डेसिमल प्लेसेस आ जाएं तो वो 40s की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ सी के लिहाज से। तो इस लिहाज से हम फिर बता सकते हैं कि जो हमारा सी रूट होगा वो है फाइनली ये फंक्शन वैल्यू की वजह से फाइनली हमारा रूट ये बन जाएगा 0.6191, यानी कि ये हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये भी हमने सीख लिया, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने ये भी देखा कि अगर दो कंजेक्टिव आइट्रेशन के आंसर एफ ऑफ सी के लिहाज से अगर रिपीट हो जाएं तब भी हम अपने रूट को फाइनली मान लेते हैं कि वो हमारे पास सी फलां आइट्रेशन के लिहाज से मूव है, या उसकी एक लॉजिक है, उसका एक हमारे पास प्रोसीजर है, यानी 0.6191 हमारे पास ये रूट क्रिएट हो चुका है। हम कह देंगे फाइनली हैंस सी 13 इज इक्वल टू 0.6191 रिक्वायर्ड रूट। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर हमने देख लिया। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है,
फाइंड जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x माइनस स्केयर रूट 1 प्लस साइन एक्स सिक्स का होल स्केयर रूट यूजिंग बाई सेक्शन मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये भी बिल्कुल ऐसे ही हमने परफॉर्म करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और दिस इम्प्लाइज डेट 3x माइनस 1 प्लस साइन एक्स सिक्स का होल स्केयर रूट इक्वल है जीरो के। ये हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है, इसके लिए भी हमने दो पॉइंट ऐसे लेने हैं, दो कंजेक्टिव नंबर ऐसे लेंगे जिस पर हमारे पास फंक्शन वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्रिएट करे। जीरो पे हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, 1 पे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो देखें एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन का अगर हम मल्टीपल लें तो लेस देन जीरो आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारा रूट जीरो और वन के बिटवीन होगा। तो हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन क्लोज इंटरवल, तो एक्स हमारा रूट हो गया। इसके लिए हमने फिर टेबल ड्रॉ करना होता है, ये सेम वही हमने काम करना है, हमने सिक्स कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं। सिक्स कॉलम ड्रॉ करने के बाद हमने उसके हेडर पे ए बी एफ ओफ एफ ओ बी सी है एफ ओ सी, ये हमने राइट कर देना है। और जो हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन है इसमें ए की वैल्यू हमारे पास ये जो क्लोज इंटरवल है उसमें ए लोअर बाउंड है जीरो और बी अपर बाउंड है, इट्स मीन वन, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ए की जगह जीरो आ गया, बी की जगह वन आ गया, तो ए पे फंक्शन वैल्यू लगाएंगे तो एफ ऑफ ए का आंसर -1 आएगा, बी पे फंक्शन वैल्यू लगाएंगे तो इसका आंसर 1.6430 आ जाएगा। उसके बाद जब आपने सी कैलकुलेट करना है तो इट्स मीन ये बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा ए प्लस बी बाई टू, तो ए और बी दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसके लिए कैलकुलेटर पे आपने फंक्शन सेव किया हुआ है ए प्लस बी बाई टू, वहाँ पर आपने कैल का बटन प्रेस करना है। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ ए, तो आप ए की जगह 0 पुट कर देंगे। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ बी, आपने बी की जगह 1 पुट कर देना है, तो आपके पास सी का फाइनली आंसर आ जाएगा 0.5। और कैलकुलेटर को आपने ख्याल से फिक्स कर लेना है 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से, तो फिर जब सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपने रिप्ले का बटन प्रेस करना है। रिप्ले के अकॉर्डिंग वो आपके पास प्रीवियस जो आपका फंक्शन सेव किया होगा ये वाला, इस फंक्शन को जब आपने सेव किया होगा इसके लिए लिखा होगा आपने कैलकुलेटर पे 3 कैपिटल A माइनस स्केयर रूट की टर्म्स होगी, स्केयर रूट का भी बटन आपके पास कैलकुलेटर पे सेव होता है, तो स्केयर रूट के अंदर आपने लिखा लिखेंगे 1 प्लस साइन कैपिटल A, ठीक है। उसके बाद आपने कैल का बटन प्रेस करना है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ ए, तो आप ए की वैल्यू ये राइट कर देंगे 0.5, तो आपका आंसर एफ ऑफ सी में आ जाएगा 0.2837, ठीक हो गया। तो ये आपने फिर एफ ओ सी पे कंडीशन चेक करनी होती है कि यहाँ पर केस अराइज हो रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ग्रेटर देन अगर जीरो एफ ओ सी है तो इसका मल्टीपल प्रोडक्ट आपने कोई नेगेटिव फंक्शन वैल्यू से लेना होगा, तो वो नेगेटिव फंक्शन वैल्यू -1 है मतलब एफ ओ ए के लिहाज से। तो एफ ओ ए को एफ ओ सी से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट आइटरेशन में एफ ओ ए को एफ ओ सी से मल्टीप्लाई किया तो वो लेस देन जीरो क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब है रूट हमारा ए और सी के बिटवीन पड़ा होगा, तो इसमें बी स्किप है, तो इसका मतलब है न्यू आइटरेशन में जो सेकंड आइटरेशन होगी उसमें बी रिप्लेस हो जाएगा सी में, तो बी की जगह देखें ये 0.5 ये सी की वैल्यू आ गई और एफ ओ बी जो है 0.2837 ये हमारे पास एफ ओ सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि बी को सी में रिप्लेस किया और एफ ओ बी को एफ ओ सी में रिप्लेसमेंट कर दी, तो उसके बाद जो बाकी टर्म्स है वो एज इट इज़ आ जाएंगी, ए बी एज इट इज़, एफ ओ ए ये भी एज इट इज़। जब आपने यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करवाना है तो ए की वैल्यू 0 और 0.5 बी की वैल्यू राइट करेंगे, तो वो आपके पास कैलकुलेटर के फंक्शन के लिहाज से आपके पास सी का ये आंसर क्रिएट कर देगा 0.25। फिर आपने सी पे फंक्शन वैल्यू लगानी है तो ये आंसर क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव किया हुआ है जो आपका गिवन क्वेश्चन का फंक्शन है, तो उससे ये आप ए की वैल्यू पुट करेंगे जो 0.25 है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा एफ ओ सी में, ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पर चेक करना है, चेकआउट करेंगे कि ये आपके पास लेस देन जीरो आ रहा है एफ ऑफ सी की वैल्यू, तो आपका ये जो फंक्शन वैल्यू है कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिसकी वजह से ये लेस देन आएगा। यानी कि अगर आप एफ ऑफ बी सेकेंड आइटरेशन में एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन जीरो आएगा, तो इसका मतलब है हमारा रूट बी और सी के बिटवीन पड़ा होगा, तो इसमें ए स्किप है, इसका मतलब है अब ए सी में रिप्लेस होगा। देखें ये ए की जगह 0.25 ये सी की वैल्यू आ गई, उसके बाद एफ ऑफ ए यानी एफ ओ सी के लिहाज से रिप्लेसमेंट होगा ये -0.36369, ये हमारे पास एफ ओ सी वाली टर्म्स आ गई न्यू आइटरेशन में, ठीक है ना, ये वाली टर्म एफ ओ ए में राइट कर दी। उसके बाद जो बी है ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और एफ ओ बी ये भी एज इट इज़, ठीक है ना, इसमें नो चेंजिंग। उसके बाद आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ पर हमने जब सी फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम बाइसेक्शन मेथड के फॉर्मूले के लिहाज से जो हमारा कैलकुलेटर में फंक्शन सेव होगा उसमें ए आपसे पूछेगा व्हाट इज़ ए व्हाट इज़ बी, आपने ए की वैल्यू ये राइट कर देनी है बी की वैल्यू ये राइट कर देनी है, तो आपका आंसर सी में ये क्रिएट हो जाएगा। और फिर आप जब सी पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई करवाएंगे इसके लिए रिप्ले का बटन आपने प्रेस करना है और फिर आपका जो फंक्शन होगा ये आंसर क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक हो गया।
इसके लिए आप वो रिप्ले के बटन के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू, मतलब वहाँ पर ए आपने प्रेस करना होता है, तो आप 0.3750 राइट करेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। ये इस तरह आइटरेशन परफॉर्म होती जाएंगी। आइटरेशन परफॉर्म करते हुए आपके पास 13th आइटरेशन पे जाके ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो जाएगा। इसमें जो 12th आइटरेशन है, 12th आइटरेशन पे जाकर एफ ऑफ सी की वैल्यू आ रही है 0.0003, और 13th आइटरेशन में जाकर ये हमारे पास आंसर क्रिएट एफ ऑफ सी में कर रहा है 0.0004, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से जीरोज शो हो रहे हैं। ये हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया की कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 कंजेक्टिव एफ ऑफ सी की वैल्यू सेम आ जाती, रेपिटेशन आ जाती, तब भी हम अपने रूट को ये मान लेना था कि हमारे पास ये रूट है। अभी ये हमारे पास इस वक्त क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो 13th आइटरेशन है इसमें एफ ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस वो जीरोज़ शो हो रहे हैं, 4 टाइम 0 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फिर जो सी का जो रूट होगा हमारे पास वो टर्मिनेट, यानी कि ये हमारे पास फाइनली रिकमेंडेड आंसर इसका रूट बन जाएगा। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जनरेट हो गई है। तो फाइनली हम कह देंगे हैंड सी 13 इज इक्वल टू 0.3919 इज द रिक्वायर्ड रूट ऑफ आवर गिवन पोलिनोमियल इन द सेंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन इन द सेंस ऑफ रिक्वायर्ड न्यूमेरिकली सोल्यूशन। तो होपफुली आरडीए स्टूडेंट आपने न्यूमेरिकली सोल्यूशन के लिहाज से बाइसेक्शन मेथड को कम्प्लीटली डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अपनी कंसेप्चुअल स्टडी को फॉलो कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बन रही हो तो आप अपने स्टेप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने स्टेप्स को कम्प्लीटली वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा आरडीए स्टूडेंट, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।